कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। अपराधियों के बढ़ते मनोबल और यूपी में बुलडोजर तंत्र से खफा कांग्रेसियों ने सिविल लाइन स्थित धरना स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया। बुधवार को जिला शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेसियों ने योगी सरकार के खिलाफ घेरा डालो डेरा डालो प्रदर्शन किया। हाथों में बुलडोजर की तख्तियां लेकर पहुंचे कांग्रेसियों के प्रदर्शन की भनक लगते ही आला अधिकारियों ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया था। घटना से आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर की तस्वीर में आग लगाकर अपना विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से कांग्रेसी नेताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के दबाव में प्रशासन ने कानपुर देहात में हुई पूरी घटनाक्रम को छुपाने का प्रयास कर रहा है। आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बुलडोजर तंत्र के सहारे योगी सरकार गरीब शोषित और वंचितों का दमन करने पर उतारू है, जिसका पुरजोर विरोध सदन से सदन तक किया जाएगा। कांग्रेसियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा और पूरी घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की। बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ आज यहां पर कांग्रेस जनों ने बुलडोजर का जो प्रतीक बना था उसको जलाया और इस बात की मांग की गई जो कानपुर में दुखद बर्बरता पूर्वक घटना हुई उसमें शामिल दोषी अफसरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा के साथ साथ उनको जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दिया जाए। देखिए, कानपुर के अंदर दो महिलाओं की लाश नहीं जली बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की अस्मिता और उत्तर प्रदेश सरकार के मंसूबे भी जल गए और प्रदेश सरकार के बुलडोजर के तंत्र भी जल गया। प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अब सरकार आखिर करना क्या चाहती है। आज प्रयागराज में हम लोगों ने बुलडोजर के स्वरूप पोस्टर को जलाया और जला करके अपना विरोध दर्ज कराया और इस बुलडोजर के लोकतंत्र को हमने स्वाहा करने का संकल्प लिया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अब बहन बेटियों को भी जलाने पर आमादा है और खास तौर से एक विशेष वर्ग के लोगों को जलाने पर आमादा है, पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक इसकी आवाज़ बनेगी और मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी।